दोस्तों नमस्कार, क्रिकेट इंडिया की एक और नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। और सबसे पहले तो भाई आप सभी क्रिकेट इंडिया फैमिली मेंबर्स को एक बहुत बड़ा वाला थैंक्स, जहां पर आप सभी लोगों के प्यार, सपोर्ट और सहयोग की मदद से हमने अपने यूट्यूब चैनल पर अपने 5 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर ली है। और मुझे उम्मीद है कि हम इसी तरह से अपनी जर्नी को थोड़ा सा आगे तक लेकर जाएंगे, जल्दी हम 1 मिलियन का माइलस्टोन यहां पर ज्वाइन करेंगे। तो भाई चलिए, आज तारीख हो चुकी है 8 जुलाई 2024 और इस वीडियो में हम रोजाना की तरह बात करने वाले हैं आज दिन क्रिकेट के रिगार्डिंग जितनी भी बड़ी बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है, सभी अपडेट्स को वन बाई वन बिल्कुल अच्छी तरह से डीपली हम इस वीडियो में एनालिसिस करने वाले हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो आपका समय यहां पर बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे, चलिए फटाफट हम बात करते हैं आज दिन भर क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरों की। तो पहली और सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है इंडिया टूर ऑफ जिम्बाब्वे 2024 को लेकर, जहां पर करंटली भारत की टीम जिम्बाब्वे के दौरे पर है। 5 मैचों की T20 सीरीज करंटली दोनों टीमें आपस में खेल रही है, जिस T20 सीरीज के 2 T20 मैचेस यहां पर ऑलरेडी समाप्त हो चुके हैं। और सीरीज के रिजल्ट के बारे में डिस्कशन करते हुए टिल नाउ यहां पर 1-1 से सीरीज का स्कोर टाई है। जी हां, इस सीरीज का दूसरा T20 मैच हमें कल हरारे के स्टेडियम में देखने को मिला था, जहां पर भारतीय टीम के युवा स्टार प्लेयर्स ने सीरियसली काफी डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस करके दिखाया। भारतीय टीम ने टॉस जीता पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हमारे ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने 46 गेंदों में ताबड़तोड़ शतक यहां पर जड़ दिया था। उसके अलावा ऋतुराज गायकवाड़ ने 77 नॉट आउट की ताबड़तोड़ पारी खेली। रिंकू सिंह के बल्ले से भी छक्को चौके की बरसात हुई, जिसके चलते पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने अपने 20 ओवर में केवल 2 विकेट के नुकसान पर 234 रन बनाए थे। 235 रनों का विशालकाय टारगेट यहां पर जिम्बाब्वे टीम के सामने रखा था। जिम्बाब्वे वही इस मैच में मतलब बिल्कुल भी टक्कर नहीं ले पाया। भारतीय टीम ने इस शानदार मैच में 100 रनों से बहुत ही रोमांचक अंदाज से यहां पर जीत दर्ज की। और जीत के साथ करंटली इस सीरीज का जो रिजल्ट है 1-1 से यहां पर लेवल हो चुका है। पहले T20 मैच में टीम इंडिया को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था, उसका बदला तो अब यहां पर ले लिया है। और भाई आगामी मैचेस भी सीरियसली बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। और इस शानदार मैच में अभिषेक शर्मा ने ताबड़तोड़ शतक जड़ने के साथ साथ बड़े रिकॉर्ड्स को भी यहां पर तोड़ा। जी हां, अपने इंटरनेशनल करियर की शुरुआत इन्होंने एक छक्के के साथ यहां पर की। और भाई शतक कंप्लीट करने का जिनका जो रोमांचक अंदाज था, सीरियसली 82 पर बल्लेबाजी कर रहे थे, अगली 3 गेंदों में लगातार 3 छक्के जड़कर शतक इन्होंने कंप्लीट किया। और भाई शायद ये सेकंड प्लेयर बने हैं जिन्होंने लगातार 3 छक्के लगाकर अपनी सेंचुरी को कंप्लीट किया है। और भी बड़े बड़े रिकॉर्ड्स यहां पर बने थे, जिनके बारे में हम ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम चैनल पर डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो अपडेट निकल कर आ रहा है भारतीय टीम के अगले मैच को लेकर, कब होने वाला है इसी सीरीज का भारतीय टीम का अगला मैच। तो भाई आपको बिल्कुल क्लियर कट बताना चाहूंगा कि अब इस सीरीज का तीसरा T20 मैच हमें 10 जुलाई को भारतीय समय अनुसार शाम के 4:30 बजे से हरारे के इसी स्टेडियम से लाइव देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों कुछ चीजें यहां पर सीरियसली बदलने वाली है, 1-1 से स्कोर लेवल है और भाई स्क्वाड्स भी यहां पर डेफिनेटली बदलने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो अपडेट निकल कर आ रहा है लास्ट 3 T20 मैचों के लिए भारतीय टीम के स्क्वाड्स को लेकर। जी हां, बीसीसीआई ने केवल शुरुआती 2 T20 मैचों के लिए भारतीय टीम का ऐलान किया था, अंतिम 3 T20 मैचों के लिए अभी तक यहां पर बीसीसीआई ने भारतीय टीम का ऐलान नहीं किया है। लेकिन भाई फाइनल यहां पर एक बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है, जहां पर करंटली ऐसा क्लेम किया गया भाई संजू सैमसन डेफिनेटली भारतीय टीम के स्क्वाड को ज्वाइन करने वाले, स्क्वाड को ज्वाइन करने के लिए करंटली वो जिम्बाब्वे पहुंच चुके। उसके अलावा भाई शिवम दुबे और यशस्वी जायसवाल, इन 2 प्लेयर्स के नाम निकल कर आ रहे हैं जो इस सीरीज के लिए भारतीय टीम के स्क्वाड्स को यहां पर ज्वाइन करने वाले हैं। हालांकि आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक यहां पर इस T20 सीरीज के लास्ट 3 T20 मैचों के लिए बीसीसीआई ने भारतीय टीम का ऐलान नहीं किया है, लेकिन हाईली चांसेस भी आज दोपहर या फिर आज शाम तक इन 3 मैचों की बची हुई T20 सीरीज के लिए बीसीसीआई भारत की नई 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर देगा। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर निकल कर आ रही है विराट कोहली को लेकर। जी हां, सोशल मीडिया सेंसेशन विराट कोहली ने एक और नया इतिहास यहां पर रचा है। आपको बिल्कुल अच्छी तरह से याद होगा कि रिसेंटली भाई बारबेडोस के स्टेडियम में भारतीय टीम ने T20 वर्ल्ड कप 2024 की ट्रॉफी उठाई थी और उस विनिंग सेलिब्रेशन की एक तस्वीर को विराट कोहली ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर इंस्टाग्राम पर शेयर किया था। और उस पोस्ट ने इंस्टाग्राम पर एक बहुत ही बड़ा इतिहास यहां पर रचा दिया है। जी हां, 21 मिलियन प्लस
फर्स्ट लाइक से उस पोस्ट पर जा चुके हैं, जिसके साथ एशिया की सबसे ज्यादा बार लाइक की गई वह पोस्ट बन गई है। तो भाई सीरियसली एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट विराट कोहली के सोशल मीडिया हैंडल के नाम यहाँ पर हो गई है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर। जी हाँ, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर ऑलरेडी हमें बड़े बड़े अपडेट्स यहाँ पर देखने को मिल चुके थे, जहां पर भाई ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है कि भाई आपकी पाकिस्तान में हमें यह पूरा का पूरा टूर्नामेंट देखने को मिलेगा। 21 फरवरी से 9 मार्च के बीच यह शानदार टूर्नामेंट हमें देखने को मिलने वाला है। लेकिन भाई इसी बीच यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है इंडिया वर्सेज पाकिस्तान मैच को लेकर। जी हाँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक प्रस्ताव रखा है, जहां पर उन्होंने इस प्रस्ताव में ऐसा बोला कि भाई इट्स अवर पर्सनल चॉइस, हम ऐसा चाहते हैं कि भाई 1 मार्च को लाहौर के स्टेडियम पे भारत और पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में आमने सामने हो। लेकिन उसके लिए उनको बीसीसीआई की अप्रूवल का इंतजार करना पड़ेगा, कि भाई बीसीसीआई ने ऐसा बोला था कि भाई हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं जाएंगे। थोड़ा सा वेन्यू को लेकर यहाँ पर कॉन्ट्रोवर्सीज यहाँ पर लगातार बरकरार थी। खैर दोस्तों, अभी तक कोई फाइनल कंक्लूजन तो हमें देखने को नहीं मिला है, लेकिन अब बीसीसीआई, आईसीसी और आपकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक बहुत ही बड़ी मीटिंग होगी, जिस मीटिंग में हमें आपकी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के ऊपर फाइनल डिसीजन देखने को मिल जाएगा। हालांकि हाईली चांसेस है किसी हाइब्रिड मॉडल के साथ हमें चैंपियंस ट्रॉफी 2025 देखने को मिलेगी, जहां पर सभी मैचेस तो पाकिस्तान में होंगे, लेकिन भारतीय टीम के जितने भी मैचेस होंगे वो हमें किसी न्यूट्रल वेन्यू पर देखने को मिल सकते हैं। तो अभी फिलहाल तो ये अपडेट निकल कर आ रहा है, जैसे कोई नेक्स्ट अपडेट यहां पर निकल कर आता है तो अपडेट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो खबर यहां पर निकल कर आ रही है जैसा को लेकर। जहां बीसीसीआई सेक्रेटरी जैसा करंटली बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे, क्योंकि भाई आपको बिल्कुल अच्छी तरह से याद होगा जब हम वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में हारे थे, तो वहां पर जैसा थोड़ा सा इंतजार करने के बाद ऑन द माइक आए थे। उन्होंने ऐसा आश्वासन दिया था कि भाई मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं वादा करता हूं कि अगले साल T20 वर्ल्ड कप 2024 में बारबेडोस की जमीन पर हमारा भारतीय झंडा हम गाड़ेंगे। बिल्कुल वही का वही सीन हुआ, रोहित शर्मा ने झंडा गाड़ा, हमने यहां पर ट्रॉफी को जीता। लेकिन अब एक और पॉजिटिव स्टेटमेंट हमें जैसा की तरफ से देखने को मिली है, जहां पर भाई आपको बताना चाहूंगा कि जैसा ने ऐसा बोला कि भाई करंटली आपके रोहित शर्मा की जो फॉर्म है, उनकी कैप्टनसी स्किल्स है, उनके मतलब उनकी हेल्प से चैंपियंस ट्रॉफी, आने वाली चैंपियंस ट्रॉफी और आने वाली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप डेफिनेटली रोहित शर्मा यहां पर जीतने वाले हैं। भारत के लिए नया इतिहास रोहित शर्मा यहां पर रचने वाले हैं। यानी भाई जैसा रोहित शर्मा के ऊपर, भारतीय टीम के ऊपर सीरियसली बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट यहां पर है। खैर दोस्तों, चीजें हमें बाद में पता चलेगी, लेकिन फिलहाल जो माइंड सेट है वो बिल्कुल क्लियर कट हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो खबर यहां पर निकल कर आ रही है आईपीएल 2025 को लेकर। जी हां, जैसे ही आईपीएल 2024 की समाप्ति हुई थी, केकेआर की टीम ने ट्रॉफी उठाई थी, उसके जस्ट बाद से ही आईपीएल के नेक्स्ट एडिशन के लिए, आईपीएल 2025 के लिए बीसीसीआई, आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने अपनी तैयारियों की शुरुआत कर दी थी। सभी फ्रेंचाइजियां जोरों शोरों से नेक्स्ट एडिशन के लिए अपनी तैयारियां यहां पर कर रहा। लेकिन इसी बीच यहां पर बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है आईपीएल 2025 के नए फॉर्मेट को लेकर, जहां पर अब ऐसा कंफर्म कर दिया गया कि आईपीएल 2025 के फॉर्मेट में यहां पर चेंज किया जाएगा। 10 मैचेज यहां पर शेड्यूल में इंक्रीज होने वाले है। और भाई आपको पता है कि अभी तक एक टीम के 14 मैच होते थे, लेकिन आईपीएल 2025 में एक टीम के हमें 16 मैचेज यहां पर देखने को मिलेंगे। कुल 84 मैचेज हमें यहां पर आईपीएल 2025 के दौरान देखने को मिलने वाले हैं। और बीसीसीआई ने एक और प्रस्ताव पास किया कि भाई आईपीएल 2025 और आईपीएल 2026 में तो हमें 84 मैचेज वाला फॉर्मेट देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद आईपीएल 2027 से हमें आपके मतलब 10 मैचों को और इंक्रीज कर दिया जाएगा, और 94 मैचेज वाला फॉर्मेट, 18 मैचेज पर टीम वाला फॉर्मेट यहां पर इंप्लीमेंट में आ जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो खबर यहां पर निकल कर आ रही है आईपीएल 2025 के रिगार्डिंग ही बीसीसीआई की मीटिंग को लेकर। कब होगी बीसीसीआई की मीटिंग और क्या क्या चीजें यहां पर डिस्कस की जाएगी, क्योंकि भाई आपको बताया कि थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्सी, थोड़ी सी जद्दोजहद यहां पर चल रही है आईपीएल 2025 के रिटेंशन प्रोसेस को लेकर। और भाई आपको पता है लगभग यहां पर कंफर्म है कि भाई अब की बार 5 रिटेंशन कार्ड यहां पर सभी टीमों को आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले ही देखने को मिल सकते हैं, जहां पर 5 में से भाई आप 3 इंडियन कैप्ड प्लेयर्स को अपने स्क्वाड में रिटेन कर सकते हैं, एक आपको अनकैप्ड प्लेयर रिटेन करना पड़ेगा, आप विदेशी खिलाड़ी रिटेन कर सकते हैं। करंटली तो ऐसा ही क्लेम किया जा रहा है। खैर दोस्तों, अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है, आज या फिर कल में एक बहुत ही स्पेशल मीटिंग बीसीसीआई के आईपीएल 2025 के रिगार्डिंग होगी, और उस मीटिंग के दौरान ही हमें फाइनल कंक्लूजन देखने को मिलने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो खबर यहां पर निकल कर आ रही है एशिया कप 2024 को लेकर। जी हां, आप सभी को
बिल्कुल अच्छी तरह से याद होगा कि पिछला साल का एशिया कप श्रीलंका में हुआ था, जहां पर हमारी टीम ने ट्रॉफी उठाई थी, फाइनल में श्रीलंका को बुरी तरह से हराया था। और वही हमने एशिया कप 2023 जीता था, जिसके बाद सभी को एशिया कप 2024 का इंतजार था। लेकिन दोस्तों एशियन क्रिकेट काउंसिल ने एक बड़ी घोषणा यहाँ पर कर दिया, जहाँ पर सभी कंट्रीज के थोड़े से बिजी शेड्यूल की वजह से एशिया कप 2024 कप की बार कोई विंडो यहाँ पर नहीं मिल पाई, जिसके चलते एशिया कप 2024 हमें देखने को नहीं मिलेगा और एशिया कप की वापसी हमें साल 2025 में देखने को मिलने वाली है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो खबर निकल कर आ रही है इंडिया वर्सेज श्रीलंका सीरीज को लेकर। जी हाँ, इंडिया वर्सेज जिम्बाब्वे T20 सीरीज के जस्ट बाद भारत की टीम श्रीलंका के दौरे पर जाएगी। भारत और श्रीलंका आपस में 6 मैचों की सीरीज खेलेंगे, जिस दौरान 3 T20 3 वनडे मैचों का पूरा दौरा यहां पर होने वाला है। तैयारियां करंटली जोरों शोरों से यहां पर चल रही है स्क्वाड अनाउंसमेंट्स को लेकर। एक बड़ी खबर है जहां पर ऐसा क्लेम किया जा रहा है कि भाई 2-3 दिनों के बाद इस सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया जाएगा, और जैसे यहां पर फाइनल स्क्वाड्स की अनाउंसमेंट हो जाती है तो अपडेट आपको सबसे पहले यहीं पर देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों यहां दिनभर क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरें, सभी खबरों के ऊपर आपके क्या ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल किस रूप में जितना ही ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब कर इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।